हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाउ आर यू ऑल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं एज यूजुअल। और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो, मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किए हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे है, कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करनी है तो वो मंगवाई है। इसका रिव्यू एंड ऑल मैं साथ में फर्स्ट इंप्रेशन देते जाऊंगी एंड बाद में ओवर द टाइम आई विल टेल यू कि कैसा काम करता है, एक्चुअल में वर्थ है कि नहीं है। बहुत ही कुछ कुछ हाइप वाले प्रोडक्ट है उसमें, सो मैंने सोचा कि यार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा काम करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अभी अमेजोन पे मस्त सेल चल रहा है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, तो उसका भी फायदा आप उठा सकते हो। मस्त कार्ड्स एंड ऑल पे डिस्काउंट मिला के काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो उसका फायदा उठाओ। सो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपका फेवरेट कौन सा प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है, या फिर कोई और प्रोडक्ट जो आपको पसंद है वो भी रिकमेंड करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो है बेला विटा का वाइट ऊद परफ्यूम बॉटल है ये। इसका ना मैंने एक सेट लिया था, जो चार पांच परफ्यूम एक साथ आते हैं ना, उसमें ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था और एक दूसरा ऊद वाला आता है वो भी, ये वाइट ऊद वाला, तो आई थिंक सो मुझे वो मंगवाना था और मैंने ये मंगवा दिया। बट ये भी कोई बुरा नहीं है, लुक एट द बॉटल, हाउ प्रिटी एंड प्रीमियम इट्स लुकिंग। बहुत ही बढ़िया सा बॉटल है इसका, मतलब हाथ में पकड़ के ही बहुत ही अच्छा सा मतलब फील आता है एंड काफ़ी 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 अफोर्डेबल है। सो या लेट्स स्मेल, अमेजिंग। जिसको ऊद वाला फ्रेग्रेंस पसंद है ना उसको ये डेफिनेटली पसंद आएगी, बट कुछ लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रांग लगेगी। बट ना जब आप ये लगाते हो आफ्टर अ वाइल इसका थोड़ा सा माइल्ड सा फ्रेग्रेंस हो जाता है जो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा। और जैसे अप्लाई करते हो तो लगेगा थोड़ा सा कि यार ये थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, बट आफ्टर द टाइम ना ये मस्त ऐसा माइल्ड सा फ्रेग्रेंस देता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। आई थिंक एकदम परफेक्टली नहीं बता सकती बट 4 to 5 hours से अच्छे से रह जाता है आपके बॉडी पे। सो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। 100 ml का बॉटल है, काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। इसका प्राइस है ना काफ़ी कम्फर्टेबली बोल रही हूँ, अफोर्डेबल है, आप चेक कर सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। शेयर सम सनस्क्रीन्स, तो पहला ये है विश केयर का, काफ़ी वायरल हो रहा था। नायसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन है, काफ़ी वायरल हो रहा था। सो मैंने सोचा चलो मंगवा लेते हो। इसमें ओट एक्सट्रैक्ट्स है, जिंक है, मेन बात तो इसमें नायसिनामाइड है, सो विच इज़ वेरी 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 गुड डील। और इसका 50+ SPF है, इट इज़ फॉर लाइक ऑल स्किन टाइप, बैलेंसेस ऑयल, प्रोटेक्ट द स्किन, लाइट वेट है। थोड़ा सा अप्लाई करके देखती हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माई फेस सो आई कैन अप्लाई। लुक एट दिस, दिस इज द बॉटल, SPF 50। विश केयर का आई थिंक लिप बाम भी काफ़ी वायरल जा रहा था, सो आई थिंक पहले मैं हाथ पे ही ट्राई करती हूँ। ओ काफ़ी फ्लूइड वाला टेक्स्चर है इसका। आई हैव वन मोर सनस्क्रीन फ्लूइड वाला, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसकी लिंक भी मैं दे दूंगी, वो काफ़ी अच्छा है। माई हस्बैंड इज़ यूजिंग, ओ माई गॉड ये तो डिसअपियर हो गया यार बहुत ही जल्दी, नो वाइट कास्ट एट ऑल। थोड़ा सा फेस पे भी लगा के देखती हूँ। लुक एट दिस, ओ माय गॉड ये एकदम ही डिसअपियर हो गया, स्किन में ऐसे घुल गया पतल, ऐसे लगता है जैसे बंजर पड़ी हुई थी धरती और उसको पानी की जरूरत थी, वो टाइप का हो गया एकदम से, मतलब घुल गया है। लाइक इट सो फार, देखते हैं उसको और ट्राई करूंगी और फिर आपको बताऊंगी। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मूडी, 7D हाइड्रोबस्ट हाइब्रिड वाटर सनस्क्रीन, SPF 50 PA++++, हाइलोरोनिक एंड कोकोनट वाटर, हाइलोरोनिक एसिड एंड कोकोनट वाटर है इसमें। सो ये भी फ्लूइड सनस्क्रीन है, आई डोंट नो मैंने इतने फ्लूइड सनस्क्रीन की ऑर्डर की है, बट या लुक एट द बॉटल हाउ प्रीटी है ना, मतलब बहुत ही प्रीटी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो लेट्स चेक आउट, ये भी काफ़ी फ्लूइड सा है, मतलब फ्लूइड ही है, काफ़ी फ्लूइड सा है। ओ माय गॉड ये भी एकदम डिसअपियर हो गया स्किन में। हाँ इसका स्मेल काफ़ी मस्त है यार, वो पहले एक पाउडर आती थी ना वो टाइप का स्मेल है,
ये वाले इस चीक पे अप्लाई करती हूँ। ओ माय गॉड, दिस इज नाइस। बिल्कुल भी चिपचिपा ऑयली सा फीलिंग नहीं है और बहुत ही जल्दी स्किन में दोनों भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो दोनों भी अच्छे हैं और दोनों में भी 50+ है। ओवर द टाइम जब यूज करूंगी दब आई गेट टू नो कि कौन सा अच्छा है, बट अभी फॉर नाउ दोनों भी अच्छे लग रहे हैं। सो दिस वॉज द थर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज फ्रॉम द ब्रांड प्लम। बहुत ही मेरा फेवरेट ब्रांड है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं इसके। कुछ कुछ प्रोडक्ट जो जो मैंने यूज़ किए हैं उसमें एक दो ही मुझे ठीक नहीं लगे, बट अदरवाइज बहुत अच्छे हैं। दिस इज सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, फाइट्स एक्ने, ऑयल कंट्रोल एंड विथ फ्रूट एचेस। सो इट इज लाइक केमिकल फेस वॉश, तो बहुत ही ध्यान से सोच समझ के यूज करना। ओके अभी मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को नाखून नहीं है बिल्कुल भी। हाँ सो ये ना वो फोम वाला आता है ना वो टाइप का है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी और मुझे ना ये बहुत अच्छे लगते हैं फोम वाले जो फेस वॉशेस रहते हैं ना, आई लव इट। सो ओपन करके हो गया। सो दिस इज द फेस वॉश। ये इसे प्रेस करने के बाद फोम आएगा। ओ या सो दिस इज द वन, सैलिसिलिक एसिड वाला है। एंड ओ माई गॉड, मेरा हैट क्यों ले लिया मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। सो अभी फेस वॉश ही करके आती हूँ। ओके आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट द प्रोडक्ट मैन। मस्त लग रहा है, रिफ्रेशिंग। सो ये भी मैं ट्राई करूंगी एंड देन आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा है। अभी तो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ सा लग रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है इसको रिमूव करने में। बिकॉज है ना ये वो फोमी फेस वॉश होते हैं ना, वही उसका फायदा है कि बहुत ही जल्दी वो स्किन में से अब्जॉर्ब होके पूरा डर्ट क्लीन कर देते हैं एंड उसके बाद बहुत ही रिफ्रेशिंग और अच्छा सा फीलिंग आता है। लेकिन लाइक फ्रेश फ्रेश स्किन पर, अभी मेरे स्किन पर कुछ भी नहीं है, मैं वॉश करके आई। सिर्फ थोड़ी सी लिपस्टिक बची हुई है बिकॉज वहाँ पे मैंने ज़्यादा वॉश नहीं किया। देन आफ्टर दैट ये लास्ट प्रोडक्ट है स्किन से रिलेटेड, फॉक्सटेल, विच इज़ अगेन द वेरी गुड ब्रांड। इसके जो भी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, सनस्क्रीन, ओवरनाइट मास्क। सो मैंने सोचा और एक प्रोडक्ट जो बहुत ही आई कैचिंग लगा मुझे वो ट्राई कर, यूज़ कैसे करना है। टेक अ 2-3 पम्प्स एंड अप्लाई इवनली टू ड्राई फेस, कीप इट फॉर 5 मिनट्स, लैदर विथ वाटर एंड रिंस ऑफ, यूज 2-3 टाइम्स अ वीक फॉर बेस्ट रिजल्ट। और एज अ मास्क कैसे यूज करना है, एज अ क्लीनर भी इसको यूज कर सकते हैं। टेक 1 पप लैदर ऑन द डैम्प फेस एंड मसाज जेंटली विद द वॉटर एंड रिंस ऑफ, यूज डेली इन द मॉर्निंग एंड नाइट फॉर द बेस्ट रिजल्ट। म्हणजे मतलब ओ माय गॉड, मराठी आ रही है बीच में। मतलब ना आप इसको एज अ क्लीनर भी यूज कर सकते हो और मास्क भी यूज कर सकते हो, 2-in-1 प्रोडक्ट है ये। सो लेट्स चेक आउट, मतलब फेस वॉश भी हो गया एंड मास्क भी हो गया। हाँ प्रीटी कलर है, मैचेस माय कुर्ता। ओ नाइस, इनकी पैकेजिंग बहुत प्रीटी होती है, लाइक क्यूट क्यूट सी। मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ, देखती हूँ कैसा है। पिंक क्ले मास्क है इसमें, पिंक कलर का है क्या। ओ माय गॉड, हाँ लुक एट दिस, ऐसा वाला पिंक है, ऐसा वाला ही है, थोड़ा सा डर्टी ऐसा वाला पिंक है। एंड इसको एज अ मास्क भी आप यूज कर सकते हो एंड एज अ फेस वॉश भी। सो या देखो लादर हो रहा है। ओके सो नाइस प्रोडक्ट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए इन अ टू वे। लेट्स सी कि कैसे होता है एंड देन आई जस्ट वॉश दिस एंड कम। स्मेल ना थोड़ा सा वियर्ड है, बहुत प्लेजेंट नहीं है, बट या और ये ना काफ़ी सस्ता भी मिला मेरे को, तो आप चेक कर सकते हो ये प्रोडक्ट। मैं है ना बहुत ही मतलब पुराना वाला प्रोडक्ट है, बहुत सदियों से है मुझे लगता है, बिकॉज मेरे कॉलेज टाइम से मैं इसको यूज़ करी, टाइम से नहीं कॉलेज टाइम में इसको यूज़ किया है। मम्मी मंगवाती थी खुद के लिए, सो मैं कभी कभी मम्मी के इसमें से यूज़ करती थी, जिसमें मैंने शेड लिया है क्लासिक आइवरी। आई डोंट नो कि मेरे को ये शेड मैच करेगा या नहीं करेगा, आप सब लोग जानते होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। और तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत फैसिनेटिंग लगता था, क्योंकि इसका जो टेक्सचर था ना उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था, मूज वाला कॉमन था या नहीं था आई डोंट नो, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। अभी तो बहुत सारे मूज वाले
मूज वाली चीजें आ गई है, बट उस टाइम पे ये मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा था बिकॉज दिखने में इतना प्रिटी. पहली बात तो लुक एट दिस, द पैकेजिंग इज गोल्ड से लग रहा है, मस्त बॉल सा है गोल्ड वाला. एंड उसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही मतलब मस्त लगता था, मूज वाला टाइप लगता था, कैसे लगता था खा जाओ उसको. तो ये वाला प्रोडक्ट है लैक्मे का मूज फाउंडेशन. तो जब मम्मी यूज़ करती थी ना, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा लेती थी एंड यूज़ करती थी, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आता था उससे. फाउंडेशन है ये, लेस होप कि ये इसकी शेड मेरे को मैच हो जाए बिकॉज मेरे को समझा नहीं कि कौन सा लेना चाहिए. सो यहाँ का ही यूज़ करती हूँ. उसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, वो आइसक्रीम टाइप होता है ना एकदम वाली, वो फ्रोजन डेजर्ट. लेस अप्लाई ऑन द हाफ फेस एंड सी कि कैसे चलता है. लुक एट दिस, बहुत अच्छे से मैच हो गया यार, आई लव इट. बड़े बड़े फाउंडेशन को भी है ना ये फेल कर सकता है. लुक एट दिस, लुक एट दिस डिफरेंस. ओ माई गॉड, क्या मैच हो गया यार, परफेक्ट. ब्लर आउट कर रहा है ये मेरे पोर्स तो. ओ माई गुडनेस, लुक एट दिस, दिस साइड एंड दिस साइड. कैन यू सी द डिफरेंस? ओ माई गुडनेस, नाइस, आई लव इट. मेरे को बहुत अच्छा लगा. टेक्सचर मूज लाइक है तो बहुत ही हल्का लाइट वेट आपको लगेगा, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मैंने फेस पे कुछ लगाया है. एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, हाउ प्रीटी दिस हाफ फेस इज लुकिंग विदाउट इवन टचिंग लाइक पाउडर एंड ब्लश एंड एवरीथिंग. सो दिस इज द बेस्ट वन. वो बहुत ही प्रिटी लुकिंग प्रोडक्ट है, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है उसको थोड़ा सा भी छेड़ू या क्या करूँ, बट आप लोगों को दिखाना तो पड़ेगा. सो दिस इज द प्रोडक्ट, लुक एट दिस हाउ प्रिटी. इतना प्यारा सा रोज बना है. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड टिप्सी ब्यूटी. इसके भी प्रोडक्ट काफी अच्छे होते हैं, काफी महंगा है ये बाय द वे. ब्लश है एंड लुक एट दिस, ओ माय गुडनेस, हाउ प्रिटी. मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि इसको मैं छेड़ू इस रोज को, बस देखती रहूं. सो ये ब्लश है, आई जस्ट हैव टू टेक सम अमाउंट. और कोरल है, मुझे कोरल ब्रशेस बहुत पसंद है और अभी एक भी नहीं है मेरे पास. सो मैंने सोचा चलो ले ही रही हूँ तो आई विल टेक इस वन. अभी इस पर मैंने फाउंडेशन लगाया है, सो दिस साइड ओनली आई विल यूज दिस ब्लश. क्रीम ब्लश है ये, पाउडर ब्लश नहीं है. ओ फ्रिक, oh my god, this is so pretty. I'll use more, jitna blush ho jitna ho utna kam hai. oh my god, itna pretty sa color de raha hai na to my cheeks. look this side and this side. ओ माई गॉड, बहुत ही सटल सा, आई मीन डेली यूज कर सकते हो आप. ओ गुडनेस, बहुत ही रोजी पिंकी चिक्स लग रहे हैं मेरे, आई लव इट. सो परफेक्ट ब्लश, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है एंड आई एम लविंग इट ऑलरेडी. सो या गाइज, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ट्राई करना. सारों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और एक बार बोल रही हूँ, सो प्लीज़ प्लीज़ चेक आउट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.